हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी वाला इंडियन बैंकिंग सिस्टम का यूनिट फोर का ये सेकंड पार्ट है इसमें रीजनल रूरल बैंक्स का वर्किंग इम्पोर्टेंस एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस पढ़ेंगे तो फ्रेंड्स अगर आप चैनल में पहली बार विज़िट कर रहे हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें और पूरी वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इनका एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं वर्किंग ऑफ रीजनल रूरल बैंक द ओवरऑल अफेयर्स ऑफ दीज बैंक्स आर मैनेज बाई आ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ओवरऑल जो आपका रीजनल रूरल बैंक्स है उनको जो मैनेज करता है उनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा ही मैनेज किया जाता है विच कंसट जो कंसिस्ट करता है वो ऑफ ऑन चेयरमैन जिसका एक ही चेयरमैन होता है थ्री डायरेक्टर्स होते हैं एज़ नॉमिनेटेड बाई सेंट्रल गवर्नमेंट जो थ्री डायरेक्टर्स होते हैं उसे सेंट्रल गवर्नमेंट्स के थ्रू नॉमिनेटेड किए जाते हैं मैक्सिमम टू डायरेक्टर्स और जो रीजनल रूरल बैंक्स में जो डायरेक्टर्स होते हैं वो मैक्स मैक् मैक्सिमम वो दो डायरेक्टर्स होते हैं एज़ नॉमिनेटेड बाय द कंसर्न स्टेट गवर्नमेंट और जो मिनिमम टू डायरेक्टर्स नॉमिनेट किए जाते हैं वो स्टेट गवर्नमेंट्स के थ्रू और जो तीन हैं वो तीन सेंट्रल गवर्नमेंट्स के थ्रू नॉमिनेट किए जाते हैं एंड मैक्सिमम ऑफ थ्री डायरेक्टर्स एज बाय द स्पॉन्सर बैंक और जो तीन डायरेक्टर्स नॉमिनेटेड किए जाते हैं वो जो उनका स्पॉन्सर बैंक होते हैं उनके द्वारा तीन और डायरेक्टर्स नॉमिनेटेड किए जाते हैं रीजनल रूरल बैंक में इम्पोर्टेंस ऑफ रीजनल रूरल बैंक रीजनल रूरल बैंक का क्या इम्पोर्टेंस है द इम्पोर्टेंस ऑफ रीजनल रूरल बैंक्स लाइज इन द फैक्ट दैट दे है बीन एबल टू अपलिफ्ट द रूरल सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी बाई कैटिगरिंग ऑफ दियर बैंकिंग एंड फाइनेंशियल नीड्स आपका रीजनल रूरल बैंकस जो है बनाया गया है वो जो रूरल रूरल एरियाज़ में रूरल सेक्शंस में जो भी सोसाइटी में उन्हें नीड है फाइनेंशियल नीड्स हैं उनको फुलफ़िल करने के लिए रीजनल रूरल बैंक्स का इस्टेबलिश्ड किए गए हैं दे प्रोवाइड लॉन्स फॉर क्रॉप्स जो रीजनल रूरल बैंक्स हैं वो प्रोवाइड करते हैं लॉन्स फार्मर्स को उनके एग्रीकल्चर के लिए उनकी क्रॉप्स के लिए एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ के लिए फॉर आर्टिसंस के लिए एंड कोटेज जो छोटे छोटे इंडस्ट्रीज लगाते हैं स्मॉल स्केल इंडस्ट्री स्मॉल बिजनेस जो शुरू करते हैं उनको और लोन प्रोवाइड करते हैं फर्दर दे हैव आल्सो बीन एडवांसिंग लोन फैसिलिटीज़ टू डिफरेंटली एबल्ड पर्सनस एंड वीकर सेक्शंस ऑफ सोसाइटी और सोसाइटी में जो भी वीकर सैक्शर्स के लोग होते हैं उनको एडवांस में भी वो लोन प्रोवाइड करते हैं एडवांटेजेस ऑफ रीजनल रूरल बैंक्स पहला है रीजनल रूरल बैंक्स हेल्प इन द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ़ रूरल एरियाज़ इन द कंट्री इसका पहला एडवांटेजेस है कि रीजनल रूरल बैंक्स आपका हेल्प करता है ओवरऑल डेवलपमेंट करने में जो रूरल एरिया होता है देश के कंट्री के जो भी रूरल एरियाज़ हैं उनको डेवलपमेंट करने में वो हेल्प करता है दे जनरेट एम्प्लॉयमेंट ऑपरचुनिटीज़ इन सच एरियाज़ वो रूरल एरियाज़ में एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने का अपॉर्चुनिटी क्रिएट करता है दे अपलिफ्ट द इकोनॉमी ऑफ रूरल एरियाज़ बाय प्रोवाइडिंग दैम विद क्रेडिट फैसिलिटीज़ विच कैन बी यूटीलाइज बाई पीपल फॉर रनिंगयर ट्रेड एंड बिजनसेज़ वो अपलिफ्ट करता इकोनॉमी को रूरल एरियाज़ में और वो प्रोवाइड करते हैं उसे लोन क्रेडिट फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं जो छोटे छोटे बिजनेस मैन हैं आर्टिसन्स हैं और एग्रीकल्चरिस्ट हैं उन्हें छोटे छोटे लोन प्रोवाइड करके उनका ट्रेड को बिजनेस को आगे बढ़ाते हैं द गवर्मेंट कैन मेक यूज़ ऑफ सच बैंक्स फॉर रनिंग वेरियस इंसेंटिवस एंड इस्कीम्स इस्पेशली ऑफ़ रूरल इंडिया जो गवर्नमेंट है वो अलग अलग तरीके का इस तरीके का बैंक्स रन करते हैं अलग अलग जगह पर और इस्कीम्स इस के लिए इस्पेशली जो इंडिया में रूरल एरियाज़ हैं उन में डिसडवाटेज ऑफ रीजनल रूरल बैंक्स अब रीजनल रूरल बैंक्स का क्या डिसएडवांटेजेस है वो पढ़ेंगे हम लोग हायर अर्निंग कैपेसिटी रिमेंस लो ड्यू टू वेरियस काइंड ऑफ रिस्ट्रिक्शंस मतलब मींस हायर अर्निंग नहीं होता है इस पर उसकी कैपेसिटी नहीं होती है उनका लो कैपेसिटी होता है अर्निंग का जो अलग अलग वेरियस काइंड ऑफ रिस्ट्रिक्शन और अलग अलग जो उस पर लगे होते हैं विच आर प्लेस्ड अपन दैम जो उनमें प्लेस्ड होता है बाय द गवर्नमेंट और गवर्नमेंट के द्वारा उस पर रिस्ट्रिक्शंस लगाए जाते हैं रिगार्डिंग दियर वर्किंग एंड ऑपरेशंस उसके अलग अलग वर्किंग पे उसके ऑपरेशंस पे रिस्ट्रिक्शंस लगाए दिए जाते हैं द ऑपरेशंस ऑफ द रीजनल रूरल बैंक्स रिमेन वेरी लिमिटेड विच एक्ट्स एज आ जोग्राफिकल बैरियर्स फॉर दैम और जो उनका ऑपरेशन्स है वो रीजनल रूरल बैंक्स का रिमेनिंग जो बहुत ही लिमिटेड होते हैं जो एक्ट करते हैं जोग्राफिकल बैरियर्स पे उनको एक लिमिटेड एक लिमिटेड एरिया ही दी जाती है उनको ऑपरेशन्स करने के लिए दे फेस प्रॉब्लम्स इन रिकवरी ऑफ द मनी ड्यू टू दैम और जो भी रीजनल रूरल बैंक्स लोन प्रोवाइड करते हैं एग्रीकल्चरिस्ट को छोटे छोटे बिजनेसमैन को उससे उनका पैसा रिकवरी करने में भी उन्हें प्रॉब्लम आती है दे सफ़र फ्रॉम कैपिटल इन ट्यूके और उनके पास ज़्यादा कैपिटल भी नहीं होता है रीजनल रूरल बैंक्स के पास तो इनके कारण भी उसे अपना प्रॉब्लम्स फेस करना होता है तो फ्रेंड्स आज के वीडियो इतना तक अगर वीडियो में कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ आप कमेंट्स में बताएं मैं उसे सॉल्व कर दूंगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें थैंक यू सो मच कीप वॉचिंग कीप सपोर्ट